हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है। उन्होंने इस टाइम पे स्टेप लिया, हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया जो नंबरदारी का नया इलेक्शन, जो पुराने लोग थे जैसे हमारे कुछ एजड थे, कुछ कहीं पे था ही नहीं, तो ये जब पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोगों के, तो लोगों के काम बेहतर तरीके से होंगे, इससे बहुत सारे लोगों को सहूलियत मिलेगी। पहले ज़माने में क्या नंबरदार जिसका फादर हुआ करता था, ये जनरेशन टू जनरेशन एक चीज़ चलती थी, एक का फादर उसके बाद उसका बच्चा। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि जहाँ पे वैकेंसीज हैं नंबरदारों की, वहाँ पे वो लोग अपॉइंट किए जाएंगे जो क्वालिफाइड होंगे। आज यहाँ पे तहसील बोनियार के इस हेडक्वार्टर पे आके बहुत दिल खुश हो गया कि आज यहाँ पे नंबरदारों का इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू का ये मतलब है कि क्वालिफाइड लोग जो हैं वो नंबरदारी की जो मोहर है वो डालेंगे, दैट मीन्स कि नंबरदारी का पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे। और जब नंबरदारी का पोस्ट क्वालिफाइड लोगों के पास आएगा, इसका ये मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट होने का ठीक ठाक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और अगर क्वालिफाइड लोग होते हैं, आप ये चीज़ समझ सकते हैं, वो कागज़ को पढ़ भी सकता है और अकॉर्डिंगली उसका जवाब भी दे सकता है, क्योंकि नंबरदारी का पोस्ट एक सरकारी पोस्ट है। इस पोस्ट को नंबरदार साहब को बहुत सारी चीज़ों को अपने गाँव में देखने होते हैं, बहुत सारे नोट्स लिखने होते हैं, तो जब वो क्वालिफाइड होगा तब ये सब चीज़ें पॉसिबल है। मैं इस चीज़ को बहुत सराहना करता हूँ। थैंक यू।